for the rest. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार ये वाली वीडियो होने वाली है 60 FPS वर्सेस 90 FPS गेम प्ले के ऊपर। जो मेरा ओपोनेंट है उसके पास में होता है 90 FPS वाला OnePlus 8T, और मुझे इसका आइडिया नहीं था कि वो 90 FPS पे खेल रही थी। और बहुत बढ़िया यार, बहुत मज़ा आया उस फाइट में। और कितना ज़्यादा एडवांटेज रहता है क्लोज रेंज में 90 FPS वाले को, इस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस रहेगा इस वीडियो में। और किस तरह से मैंने अप्रोच करा, मैं उन फाइट्स का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, और किस तरह से मैंने फ़ाइट लेना स्टार्ट करा उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। और क्या आपको भी 90 FPS के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो मैं मेनली आपको स्टार्टिंग में दिखाई चुका हूँ कि 90 FPS वाले को कितना एडवांटेज रहता है और कितने ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी डैमेज पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होती है, और देखो मेरे को आइडिया भी नहीं लगता। तो ये पॉइंट आते ही मैं समझ चुका था कि मैं डायरेक्ट ADS फाइट तो इससे नहीं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बहुत आराम से वेट किया और इसको आने दिया आगे, जैसे मैं मोस्टली करता हूँ। और इसके जस्ट बाद एक और फैक्टर मेरे सामने आया TDM में, जो कि था डीसिंग, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है 90 FPS वाले को। अब अगर बात करें कि ये होता क्यों है, तो उसके लिए स्पेशली इस वाले फ्रेम पे देखिए। एक्चुअली मेरी स्क्रीन में उसकी पोजीशन फिलहाल यहाँ पर है, और मेरे को गोली कनेक्ट हो भी चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि उसकी स्क्रीन एक सेकेंड में 90 फ्रेम्स को रिफ्रेश कर रही है, और मेरी स्क्रीन से ये 50% ज़्यादा है। इस वजह से उसकी पोजीशन ऑलरेडी आगे आ चुकी है, लेकिन मेरी स्क्रीन में वो अभी तक प्रोसेस ही नहीं हुआ है, जिस वजह से गोली मेरे को पड़ रही है लेकिन उसकी पोजीशन यहीं पर है, जबकि वो इस इंस्टेंट पर ऑलरेडी इस जगह तक आ चुकी है। तो इसी चीज़ के चलते आप देखिए मैंने अगली फाइट कैसे जीती। देखो सबसे पहली चीज़ स्कोप उससे पहले खोलना, दूसरी चीज़ क्राउच कर लेना ADS फाइट के बीच में ही, तीसरी चीज़ हेड पड़ना। अगर मैंने हेड नहीं मारा होता यहाँ पे, या फिर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करी होती, तो मेरे को डैमेज पड़ता और मैं मर जाता। क्यों? क्योंकि उसके पास है 90 FPS, उसकी गोली पहले रजिस्टर होगी। और इसमें क्या होता है, अगर मान लो आपने 5 गोली चलाई, सामने वाले ने 5 गोली चलाई, उसकी पहले रजिस्टर हो गई, तो जो आपकी स्टार्टिंग की 3 बुलेट्स होंगी या 4 बुलेट्स होंगी, केवल वही रजिस्टर होगी, बाकी वाले रजिस्टर ही नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप स्लो मोशन में देखो, तो फिर से मुझे उसकी बुलेट पहले रजिस्टर हुई थी। तो यहाँ पर बस फर्क यही था कि मैंने अपना एम बिल्कुल हेड के ऊपर रखा, और उसके सारे मेरे को बॉडी शॉट्स कनेक्ट हुए, जिस वजह से फाइट भी मैं जीता। और देखो फिर से 90 FPS का कितना डिसिंक होता है। तो ये चीज़ होते ही मैं ट्राई करने लग गया कि मैं इसको अपने प्रीफायर में लेने का ट्राई करूँ, जिस वजह से मैंने बहुत बुलेट्स फायर कर दी और मैं फुटस्टेप्स नहीं ले पाया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं जो नॉर्मल फाइट्स हैं उनको हटा दे रहा हूँ, केवल काम की फाइट्स दिखा रहा हूँ। तो अब ADS फाइट का मैंने आपको दिखाई दिया, तो मैंने सोचा इससे हिप फायर फाइट लेने का ट्राई करते हैं। तो देखो क्या हुआ। तो भाई अब देखो ओपोनेंट के पास में आ चुकी थी लीड, और इज्जत थी दांव पे। तो सिंपल सी चीज़ है, ना ADS फाइट ले सकते हो ना हिप फायर फाइट ले सकते हो, तो भाई ओपोनेंट को करो बेट और बस इधर उधर भगा भगा कर प्री फायर में लेने का ट्राई करो। यही एक इकलौता ऑप्शन है मेरे पास। सिंपल सी स्ट्रैटेजी, पहले अपने ओपोनेंट को प्री फायर में लेने का ट्राई करना, उसके बाद में उसकी पोजीशन प्रेडिक्ट करते हुए एक ही कवर के साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उसको फायर करके कंफ्यूज करना। लेकिन इस बार मेरे ओपोनेंट ने मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करने दी, वो आगे आती गई और मेरे को रुक के मारने का उसने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। लेकिन मेरे पास में इतना डिसएडवांटेज था कि मेरे पास केवल एक यही मौका था कि मैं उसको इसी तरह से डेस्परेट करूं और प्री फायर में ले लेकर उससे फाइट जीतता रहूं। और देखो जैसे ही ओपन फाइट हुई बिल्कुल हाई फायर वाली, तो मैं कितनी बुरी तरह से हारा।
यहाँ पर एक सिंपल सी ट्रिक बस ये थी कि मैंने अपने ओपोनेंट को दिखाया कि मैं पीछे भाग रहा हूँ और मैं एकदम से वापस आया, तो मैंने एक तरीके से कंफ्यूज किया, और दूसरी चीज कि मैंने एकदम टाइम से ड्रॉप शॉट ले लिया। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे मैंने प्री फायर भी दिया और हेड भी कनेक्ट किया, उसके बाद भी देखो मेरे को इतना ज़्यादा डैमेज पड़ गया। तो ये फ़ायदा रहता है 90 FPS का। और अगर बात करें कि आपको 60 FPS के लिए जाना चाहिए या 90 FPS के लिए, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने नॉर्मल क्लासिक्स खेलने हैं तो फिर तो आपको अपना इसी के लिए जाना चाहिए 90 FPS के लिए, और या फिर अगर आपको कंपेटिटिव खेलना है तो आपको आईफोन के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट कंपेटिटिव सर्कल्स में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और वो लोड जो होता है वो आईफोन बहुत अच्छे से ले लेता है और आपका FPS जो है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता अगर आपका फ़ोन हीट नहीं हो रहा है। लेकिन एंड्रॉयड के फ़ोन हीट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो फ्रेम्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होंगे और उस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप एक कंपेटिटिव प्लेयर हैं। अब सिंपल सी चीज़ है भाई, अगर प्री फायर में पीक करोगे ADS फाइट में 90 FPS के अगेंस्ट, तो भाई एक ही को रजिस्टर कर पाओगे बस। तो अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्ट्रैटेजी मेरी यही थी केवल आपको मेन मेन फाइट दिखा के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मन करे तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।